नमस्कार। संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स का सेशन ले रहे थे अपन, तो आज कुछ ताज़ा तरीन सवालों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले सेशन में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, जो जैव विविधता है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। तो मैंने पूछा था आपसे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन था कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो केरल का साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली का जो क्षेत्र है वो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में शावला जलाशय डूंगरपुर में है, जहाँ पर सोम माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम भी है, तो वहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो अब कुछ क्वेश्चन से जो आज का अपन सेशन है उसमें स्टार्ट करते हैं, तो एक एक करके देखते जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति की घोषणा की है। क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में HIL, देखिए HIL क्या है, तो HIL का फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। देखिए ये एक कीटनाशक कंपनी है जो भारत सरकार के अधीन है, यानी भारत सरकार द्वारा कार्यरत है। तो HIL ने टिड्डियों के नियंत्रण के लिए, देखिए टिड्डी जो पश्चिम से हमारे जैसे राजस्थान में भी अभी टिड्डियों का काफ़ी प्रभाव है, टिड्डी पाकिस्तान के क्षेत्र से होते हुए अरब कंट्रीज से आती हैं, तो ये फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। तो इन टिड्डियों के नियंत्रण के लिए HIL ने 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति की घोषणा जिस देश के लिए की है उस देश का नाम है ईरान। ईरान के लिए HIL ने 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है। ईरान एक अरब कंट्री है। देखिए ये महाद्वीप की अगर बात करूं तो ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी है तेहरान, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रोहानी। हसन रोहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये थी जानकारी ईरान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य ने 1100 दुर्लभ प्रजातियों के पौधों के संरक्षण हेतु एक संरक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखिए प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है मानव के लिए। प्रकृति का अगर विनाश होगा तो एक दिन समूचे मानव का भी विनाश हो जाएगा। तो किस राज्य ने 1100 दुर्लभ प्रजातियों के पौधों के संरक्षण के लिए, अब ये संरक्षण क्यों, क्योंकि ये दुर्लभ प्रजाति हैं, दुर्लभ प्रजाति जो नष्ट होने की कगार पर हैं, तो इनके संरक्षण अति आवश्यक है। इसी क्रम में एक राज्य ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो कौन सा है वो राज्य, तो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड जो राज्य है उसमें बहुत सी जड़ी बूटियों के अनेक पौधे पाए जाते हैं, साथ ही जितनी भी मेडिसिन वगैरह तैयार होती हैं वो उत्तराखंड से ही होती हैं, उत्तराखंड या हिमाचल इन दो राज्यों से ही ज़्यादा ये तैयार होती हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक जो सोर्स हैं, जो जड़ी बूटी वगैरह हैं जिनसे मेडिसिन तैयार होती है वो इन क्षेत्रों में ही अधिक पाई जाती है। तो उत्तराखंड ने इन 1100 दुर्लभ प्रजातियों के पौधों के संरक्षण के लिए एक संरक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून यहाँ की राजधानी है। यहाँ उत्तराखंड में ही आपके जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार जैसे शहर है, हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सभी उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है। देहरादून यहाँ की राजधानी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल अगर बताऊं सॉरी राज्यपाल की अगर बात करूं तो राज्यपाल जो है वो है बेबी
मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ये उत्तराखंड की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गिग्गी सिमोनी का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए गिग्गी सिमोनी कौन थे, तो ये इटालियन फुटबॉलर थे, फुटबॉलर कहाँ के थे ये, इटली के। देखिए ये पहले खिलाड़ी थे, इटली के फुटबॉलर थे, बाद में ये कोच भी रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाना किमुरा जिनका अभी निधन हुआ है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही, अभी निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित थी? तो हाना किमुरा, पहले मैं बता दूं आपको हाना किमुरा क्या है। हाना किमुरा एक प्रो रेसलर है, रेसलर यानी पहलवान, कुश्ती से संबंधित। तो हाना किमुरा नाम की जो पहलवान है उनका निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित थी? तो ये थी जापान, जापान की ये हाना किमुरा पहलवान थी, इनका निधन हुआ है। जापान की मैं बात करूं तो जापान की राजधानी आप सभी जानते हैं टोक्यो। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शिंजो आबे, और यहाँ एक सम्राट भी होता है, उनका नाम है नारू हितो। पिछले क्वेश्चन में मैं थोड़ा भूल गया था आपको बता दूं, इटली की राजधानी है रोम, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जूसेप कॉन्टे, जूसेप कॉन्टे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किसने ब्रीथेविल, देखिए ब्रीथेविल, इंग्लिश में ब्रीथ बोलते हैं सांस लेने को, तो ब्रीथेविल नवरक्षक इसका नाम रखा गया है, पीपीई किट तैयार की है। तो किसने तैयार की है, ब्रीथेविल नवरक्षक, नवरक्षक पीपीई किट का नाम है, और ये पीपीई किट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत बचाव उपकरण, व्यक्तिगत बचाव उपकरण पीपीई किट, जो कोरोना अभी चल रहा है तो इससे संबंधित है ये, जो पीपीई किट डॉक्टर वगैरह पहनते हैं। तो ये नवरक्षक नाम की जो पीपीई किट है ये किसने तैयार की है, तो ये नौसेना ने, और कौन सी नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने ये तैयार की है। और भारतीय नौसेना के अगर नौसेना अध्यक्ष की मैं बात करूं तो ये हैं करमवीर सिंह, करमबीर सिंह नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब डॉलर किया है? तो अपना जो रक्षा बजट है वो चीन ने अभी बढ़ाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन का जो 2019 का रक्षा बजट था वो 177 अरब डॉलर था, और इस बार इसने 2 अरब डॉलर बढ़ा के 179 अरब डॉलर किया है। इसका एक कारण ये भी है कि चीन में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, कोरोना की बीमारी शुरू हुई थी, इसके बाद में ये पूरे विश्व में फैल गई, तो इस वजह से जो सभी देश हैं वो चीन के खिलाफ हैं, तो इस वजह से भी इसने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने अम्फान की क्षतिपूर्ति के लिए कितने करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की? तो अम्फान क्या है, अम्फान आपने सुना होगा, अभी एक साइक्लोन है जो दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी पूर्वी भारत में चल रहा है। अभी तो ये हालांकि कम हो गया, लेकिन इससे काफी क्षति हुई है, और जो दो मुख्य राज्य हैं जिनको क्षति हुई है उनका नाम है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।
इन दो राज्यों में इस अम्फान साइक्लोन ने भयंकर तबाही मचाई है, तो इनके नुकसान की भरपाई के लिए, क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने अभी एक राहत सहायता की घोषणा की है, आर्थिक सहायता की। तो पश्चिम बंगाल के लिए तो 1,000 करोड़ और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ की घोषणा की है। ठीक है, तो देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को ये आर्थिक सहायता दी गई है। तो पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इसी प्रकार से और यहाँ की राजधानी कोलकाता। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के जो हैं मुख्यमंत्री वो हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल और राजधानी उड़ीसा की भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगाई है? तो हाल ही में अमेरिका ने जो जिन देश के यात्रियों पर रोक लगाई है वो लगाई है ब्राजील। ब्राजील पर ये रोक लगाई है। ब्राजील पर रोक लगाई है, ये क्यों लगाई है? क्योंकि जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने कोरोना पैंडेमिक को सीरियसली नहीं लिया और अपने देश में लॉकडाउन नहीं लगाया। लॉकडाउन नहीं लगाया तो ब्राजील में कोरोना काफी तेजी से फैला और इस वजह से यूएसए ने ये रोक इस वजह से लगाई कि ब्राजील के जो लोग हैं उनका संक्रमण यहाँ ना फैले, इसलिए ब्राजील के यात्रियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाई है। तो ब्राजील की मैं बात करूँ तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो और अमेजन नदी ब्राजील से निकलती है, ब्राजील से होते हुए निकलती है और जो अमेजन वर्षावन है उनका 60% से अधिक हिस्सा ब्राजील के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है? निशुल्क बस सेवा जो शुरू की है सैनिकों के लिए वो शुरू की है राजस्थान। राजस्थान ने शुरू की है निशुल्क बस सेवा। राजस्थान की मैं बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा भी राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, राजधानी हो जाएगी जयपुर और जो राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। WHO ने खेलों के माध्यम से शारीरिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए किस संस्था से समझौता किया है? तो WHO ने शारीरिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए IOC, देखिए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इससे
इससे समझौता किया है ताकि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो और जो कोरोना बीमारी चल रही है उससे वो लड़ सके। तो इसलिए आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये समझौता किया है। आईओसी की मैं बात करूं तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना तो पेरिस में हुई थी लेकिन जो वर्तमान मुख्यालय है वो लुसेना स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे करंट से रिलेटेड जो आपको मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किए। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।